आरजेडी की यहाँ पर बात करूं तो अभी भी कुछ गुंजाइश है आरजेडी के पास कि नीतीश को मना लिया जाए या फिर जो 8 विधायकों की जो दूरी है बहुमत के आंकड़े को छूने से, तो क्या इसके लिए जेडीयू में टूट कर पाएगी आरजेडी? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना थी और कल से ही लालू प्रसाद यादव इस बात में लगे हुए थे बात करने के लिए और जो भी मुद्दे थे तो सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जितनी बातें आगे बढ़ चुकी है वहाँ के बाद सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। देखिए परिस्थिति बिल्कुल वही है जो 2022 में अगस्त के महीने में थी जब एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी में जा रहे थे। उस वक्त भी तमाम नेता अंतिम समय तक ये दावा कर रहे थे कि नहीं सब कुछ एनडीए में समान है, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से होगा। तो इस बार भी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब यहाँ से वापसी संभव नहीं है नीतीश कुमार की। और अब जो बीच का जो रास्ता है जैसा सौरभ बता भी रहे थे, बस वही जो फार्मूला निकालने की तैयारी हो रही है कि किस फार्मूले के तहत जाए। देखिए आरजेडी की तरफ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो बड़ी पार्टी है, यानी कि बिहार में उसके 79 है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं बीजेपी के पास 78 है, यानी कि 78-79 का जो आंकड़ा है। लेकिन इसमें एक निर्दलीय जो विधायक है जो अभी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है सुमित सिंह, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो आंकड़ा बिल्कुल टाई हो जाएगा, यानी कि 79 और 79 बड़ी पार्टी का जो दावा आरजेडी का जो है वो यहां खत्म हो सकता है। तो तमाम जो आंकड़े हैं उस पर भी तैयारी की जा रही है, दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है और इसमें निश्चित तौर पर है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं काफ़ी अहम है और इस दौरान काफी कुछ बिहार में होने वाला है। क्योंकि आज राजभवन में भी आज गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर सामने हाई टी पार्टी है और उसके बाद कल का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज शाम में सुशील मोदी भी लौट रहे हैं, शाम में बीजेपी की बैठक भी होने वाली है और कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच जो जितने बीजेपी के विधायक हैं उनको भी पटना बुलाया गया, आज शाम तक वो भी पटना पहुंच जाएंगे। तो कल का दिन जो है बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम होगा कि आगे क्या होने वाला है। अब नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, कोई दूसरा लेता है, कौन डिप्टी सीएम होंगे, ये तमाम जो अटकलें हैं उसको कल वो ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, अटकलों का बाजार बहुत गर्म है, लगातार जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और एक के बाद एक जो बड़ी खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से भी, तो बिहार में सियासी हलचल इस वक्त उफान पर है। लेकिन ऋषिकेश